टाइम्स पंजाब के शो गोल्डन टॉक्स विद शिप्रा में सारे लुधियानवीज का वार्म वार्म वेलकम। जी हाँ, आज हम स्मार्ट सिटी लुधियाना में आपको एक ऐसी रिनॉन्ड पर्सनालिटी से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जसपाल भट्टी जी के साथ उन्होंने कॉमेडी जो की थी फ्लॉप शो, वो तो हम सब ने बहुत मज़े लेकर देखी थी। बहुत ही अप्रिशिएटिंग वर्क था उनका सर का उसमें। तो मिस्टर कुलदीप शर्मा जी से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जो अराउंड 40 ईयर्स से थिएटर के साथ जुड़े हुए हैं और आज स्पेशली लुधियाना में वो एक अपना जो प्ले लेकर आने वाले हैं उसके बारे में हम बात करेंगे उनसे। प्ले का नाम है लूना। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सर से पूछते हैं कि वो खुद इस प्ले में उनका किस टाइप का करेक्टर है। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। नमस्कार, टाइम्स पंजाब के सारे श्रोतियों मेरी सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सर कैसे हैं आप? और सबसे पहले बताइए कि आप बेसिकली ये तो आप सबको पता है कि आप पंजाबी हैं, तो आपका बर्थ प्लेस कौन सा है? लकीली मेरा बर्थ प्लेस है बटाला, जहाँ से शिव बटालवी का भी नाम शिव बटालवी पड़ा था। तो आई वॉज बॉर्न इन बटाला इन पंजाब, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो सर जैसे अभी हमने मेंशन किया कि 40 ईयर से थिएटर से कनेक्टेड है, तो मूवीज़ में भी आपने बॉलीवुड मूवीज़ में काम किया है, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ शेयर कीजिए कि आपको कैसा लगता है कि बॉलीवुड जो इंडस्ट्री है आज के टाइम पे कितना ग्रो अप कर रही है। बेसिकली मैंने जैसे हिंदी फिल्म्स भी आपको बताया, माचिस, उत्तुतु, बेताबी, दीवाने, गदर, वादा, वजह, देवडी, रामा रामा क्या है ड्रामा, सिंग इज ब्लिंग, और अभी लेटेस्ट आई थी कपिल शर्मा की फिरंगी, वो की है। एंड आई हैव डन लॉट ऑफ पंजाबी फिल्म्स जिसमें कि हमारी माहौल ठीक है, भट्टी साहब के साथ जो हमने पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर स्टायर था बनाई थी, बहुत पॉपुलर हुई थी। लेकिन अभी बेसिकली जो पंजाबी फिल्मों में चल रहा है ना, तो वो मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वही कॉमेडी, वही चुटकले, वही चलते रहते हैं ना। तो अभी ऑडियंस जो है वो इतनी अकलमंद हो गई है, दे वांट कंटेंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स। हिंदी में भी आप देखो नए नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, नए नए कंटेंट आ रहे हैं, लेकिन पंजाबी में वो थोड़ा सा मिस हो रहा है। तो पंजाबी का हमारा जो कल्चर है वो बहुत बड़ा कल्चर है, बहुत अच्छा कल्चर है। जैसे अमृता प्रीतम है, नानक सिंह जी हैं, है ना, और भी कई लेखक हैं। तो मेरी अपनी ये फीलिंग है कि हमारे राइटर्स को, पंजाबी राइटर्स को, फिल्म राइटर्स को उनके सब्जेक्ट लेके उसके सब्जेक्ट्स के ऊपर पंजाबी फिल्म बनानी चाहिए, तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री ज़्यादा बेहतर बन सकती है। तो सर आप जब बॉलीवुड में, आपने बताया आप इतनी मूवीज़ में काम कर चुके हैं, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो मुंबई की इंडस्ट्री है और जो यहाँ पंजाब की इंडस्ट्री है उनके बीच में आप पर्सनली खुद कितना डिफरेंस फील करते हैं? बहुत ज़्यादा फ़र्क है, प्रोफेशनलिज्म का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हिंदी फिल्म दे आर मच मोर ऑर्गेनाइज्ड, पंजाबी में वो ज़्यादा कमी है कि समय काफ़ी बर्बाद होता है, टाइम काफ़ी लगता है, इतने ऑर्गेनाइज्ड नहीं है जितना कि अभी। रीज़न हम क्या कह सकते हैं? रीज़न मुझे लगता है कि एक तो होता है कि जैसे हिंदी फिल्म्स हैं, मैंने देवडी की थी अनुराग कश्यप के साथ, तो फिल्म की शूटिंग से एक महीने पहले मेरे पूरी फिल्म की बॉन्डेड स्क्रिप्ट मिल गई थी, सारा कुछ था, और एंड तक जब तक फिल्म की शूटिंग ख़त्म हुई एक डायलॉग भी उन्होंने जो था बदला नहीं था। लेकिन मेरा अभी तक जो पंजाबी फिल्मों का एक्सपीरियंस रहा है कि वो स्क्रिप्टिंग का ही बड़ा लोचा रहता है कि सेट के ऊपर सीन लिखे जाते हैं, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो यही अगर बॉन्डेड स्क्रिप्ट हो तो 19-20 तो चेंजेस चलते हैं, पर ज़्यादा स्क्रिप्टिंग जो है वो एटलीस्ट बॉन्डेड स्क्रिप्ट शूटिंग से 1-1.5 महीने पहले लोकेशंस का, ड्रेसेस का सारा कुछ फाइनलाइज होना चाहिए, वो नहीं होता, इसकी वजह से वो फिर ओवर बजट भी हो जाती हैं फिल्म्स। एंड सर वी हर्ड कि आपने इसी रीज़न से शायद पंजाबी मूवीज़ कुछ छोड़ी भी है। नहीं, उसमें दो रीज़न थे, एक तो मैं उन दिनों में लूना में आई वॉज, मेरा पैशन है थिएटर का मेन, है ना, फिल्में तो इतना ज़्यादा ठीक है, अच्छी हैं कि आपको पॉपुलरिटी मिलती है, लेकिन जो थिएटर का नशा है वो कहीं नहीं मिलता। तो 2-3-4 फिल्में जैसे आई कॉमेडी रोल थे तो आई रिफ्यूज्ड, क्योंकि एक स्टेज आ जाती है आप एज एन एक्टर अपने आप को चैलेंज करना चाहते हो। तो अभी मैंने यही कहा है कि मैंने कहा कोई चैलेंजिंग करेक्टर हो, नेगेटिव करेक्टर हो, इमोशनल करेक्टर हो, कोई अच्छा सब्जेक्ट दो। वो चुटकलेबाजी तो बहुत हो ली, हमने बहुत कर ली, तो इसलिए मैंने कुछ फिल्मों को ना भी की है। तो सर कहीं ना कहीं आपको लगता है जो यहाँ का यूथ है वो थिएटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है आज के टाइम पे? हाँ, बहुत फ़र्क पड़ रहा है। अभी जैसे देखो पिछले 8 साल से मैं, ये मेरी खुशकिस्मती है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे वहाँ डायरेक्टर टैगोर थिएटर लगाया हुआ है,
तो हम थिएटर को वहाँ काफ़ी प्रमोट करते हैं थिएटर के लिए, और यंग ब्लड जो है वो काफ़ी थिएटर में आ रहा है। लेकिन यंग ब्लड्स के लिए प्रॉब्लम ये है कि दे वांट इंस्टेंट मनी एंड इंस्टेंट पॉपुलैरिटी, तो उनको एक बात समझनी होगी कि पैशन से डेडिकेशन से आप करो, टाइम लगता है हर चीज़ में, है ना। अगर थिएटर में आना है तो थिएटर की पूरी आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, बैक स्टेज में उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे कलेक्ट करनी है, उसमें लाइटिंग कैसे करनी है, सेट डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, तो वो पूरी ट्रेनिंग जो है तो उसमें टाइम लगता है। तो वो डेडिकेशन और डिवोशन से आप रातों रात नहीं कुछ भी बन सकते ना, तो ये बात उनको समझनी चाहिए। तो सर चलिए अब बात करते हैं आपके प्ले की, जो आज आप स्पेशली लुधियाना वालों के लिए एक प्ले लेके आए हैं लूना, उसके बारे में कुछ मेंशन कीजिए कि किस टाइप का प्ले है वो और लूना का क्या करेक्टर है। एक्चुअली क्या है कि शिव बटालवी बहुत यंग एज में 30-32 साल की उम्र में उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लूना के लिए, और 36-37 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी, देहांत हो गया था। तो वो जो उनका लिखा हुआ नावल है, नावल नहीं उसको आप कह सकते, वो पोइटिक एक चीज़ है सारी जो लूना उन्होंने लिखा है, पोइट्री में लिखा हुआ है। तो मैंने जब ये किताब पढ़ी थी उनकी तो मुझे बहुत हॉन्ट करने लग गई उनकी पोइट्री जो है। तो वो किताब इतनी बड़ी है कि अगर पूरी किताब को आप यूज़ करो तो 20 घंटे का आपको 15-20 घंटे का प्ले बनता है। तो उसको हमने 6-7 महीने मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, मेरे एक्टर ही हैं, करण गुलजार जो कि PhD कर रहे हैं ड्रामेटिक्स की पंजाब यूनिवर्सिटी से, मेरे साथ थिएटर भी करते हैं, ही इज़ अ राइटर आल्सो, तो हम दोनों ने मिलके उसको रीराइट किया और उसको 2 घंटे का नाटक बनाया जिसमें कि 11 लाइव सॉन्ग्स हैं। और सॉन्ग्स के लिए मेरी ये खुशकिस्मती रही कि वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर जो इस रीजन में है मिस्टर अतुल शर्मा, उन्होंने सारे वो सॉन्ग्स जो हैं कंपोज किए हैं। तो जब मैंने शुरू में उनसे ज़िक्र किया कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मेरे को कहा कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं आपको रिकॉर्ड कर देता हूँ सॉन्ग्स। तो मैंने कहा अगर आप मेरे को रिकॉर्ड करके दोगे तो फिर मैं ये नाटक ही नहीं करूँगा, क्योंकि शिव का मज़ा लाइव सुनने में ही है। तो हमने फिर उसको बीच में सूत्रधार डाला जो कि स्टोरी को आगे बढ़ाता है। तो अभी वो 2 घंटे का प्ले है, उसमें 11 लाइव सॉन्ग्स हैं शिव जी के, उसी किताब में से लिए गए हैं, और 10-11 हमारे म्यूजिशियन कम सिंगर्स हैं, और 10-12 एक्टर्स हैं, तो 32 की पूरी कास्ट है, इंक्लूडिंग टेक्नीशियन, सेट है, कॉस्ट्यूम्स हैं, सारा उस पर वर्क किया है। और दूसरा इसमें हमने एक डांस भी रखा हुआ, कथक है, क्लासिकल डांस है, क्योंकि लूना जब पहली बार राजा सलवान को दिखती है तो वो कैसे दिखेगा। तो इसमें क्या है कि राजा सलवान जो कि कोट स्याले जिस पाकिस्तान में जिसको आजकल सियालकोट कहते हैं, तो वहाँ का राजा था, और उसका दोस्त था राजा बर्मन जो कि चंबे का था हिमाचल में। तो अपने दोस्त के बर्थडे पे जाता है चंबे राजा सलवान, तो वहाँ दरबार में क्लासिकल डांस है, तो उसमें मेन डांसर होती है लूना, तो वहाँ उसकी नज़र पड़ती है, तो उससे फिर स्टोरी आगे चलती है। तो उसको कहते हैं अपने दोस्त को कि मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। और लूना में जो सबसे बड़ी बात वो है कि एक 18 साल की लड़की का एक 60 साल के राजे के साथ जो है शादी कर दी जाती है, तो ये बहुत बड़ी ट्रेजडी है इस प्ले की जिसको के शिव बटालवी ने दिखाया है। हमारे साहित्यकार या जो कथाकार हैं, मैं मिक्स बोल रहे हैं हिंदी भी तो पंजाबी भी ताकि ऑडियंस नूं प्रॉब्लम ना आए, उन्हें सारे ने लूना नूं ना एज ए विलन शो किया है कि जी लूना ने पूरन नूं मरवाता, जबकि शिव ने दिखाया कि लूना दे अपने सेंटीमेंट हैं, एक 18 साल की कुड़ी का तुसी 60 साल के बुजुर्ग नाल विआह कर दोगे तो उहदियां तुसी फीलिंग मारती हैं, उहदा की कसूर सीगा बेचारी का जिहदे तुसी इन्नी ट्रेजडी की। पर उच्च डाले गए कि वह कहिंदा कि लूना अज भी दोषी है, पूरन अज भी भोरे च है, और सलवान अज भी मुके नहीं, क्योंकि अजकल भी देखो तुसी गल्फ कंट्रीज के जिहड़े शेख हैं वो हैदराबाद आते 80-80 साल के 16-16 साल दी कुड़ियों नाल शादी करके लै जाते हैं। इट इज़ सेम थिंग लूना च भी उही है। तो शिव बटालवी ने बड़ा क्रेडिट जाता कि उन्हें जोड़ा वूमेन उपर चकिया कि देखो तुम वोदिया फीलिंग नहीं समझिया और उन्होंने विलन बनाई जाते हो, है ना। और बड़े खूबसूरत डायलॉग है क्योंकि लूना जी सी शारीरिक समझ जाती सी पूरन के नाल कि असी दोवें हान दे हैं, पूरन उन्होंने मदर समझता सगा, ठीक है ना, कि तू मेरे फादर की वाइफ है इस करके यू आर मदर फॉर मी। तो कहती है कि हान मुद्दे जोड़े होंगे आपस प्रेमी होंगे माँ पुत नहीं होंगे। तो पूरन का बड़ा खूबसूरत डायलॉग है जो शिव जी ने लिखा है कि हर महबूब के चेहरे च मां होंगी है,
ते हर माँ दे चेहरे च महबूब। हुण देखो किन्ना खूबसूरत डायलॉग है। और जड़ी लूणा दी सहेली है नौकरानी, उन्हें कहती है कि तू ये सब कुछ क्यों कर रही है, क्यों पूरन नू सज़ा दवा रही है। वो कहती कि मैं पता है कि कल नू जदों ये कहानी लिखी जाएगी तो सारे मैनू विलन समझणगे, पर मैं इस करके कर रही हूँ कि फिर कल नू कोई लूणा किसी सलवान नाल नहीं व्याई जाएगी। आई एम डूइंग ओनली दैट। तो वो बेसिक चीज़ है। पर इहदा म्यूजिक बहुत वधिया, और अतुल जी ने कमाल का म्यूजिक दिता है, और डॉक्टर समीरा कौसर है वन ऑफ द नोन फेसिस ऑफ दिस रीजन इन कथक डांस, प्राचीन कला केंद्र उन्होंने इंस्टीट्यूशन है चंडीगढ़, उन्होंने वो जो डांस कोरियोग्राफ किया है। तो 6 डांसर हैं और बाकी 2 घंटे का नाटक है, 10 घंटे का बीच असं इंटरवल करते हैं कि ड्रेसिस चेंज करनी होती है सारा चीज़ का। सो यू आर प्रोड्यूसर ऑफ दिस प्ले? आई एम डायरेक्टर इन दिस प्ले, प्लस आई एम प्लेइंग राजा सलवान 60 साल का। क्योंकि अमूमन जोड़े मेरे प्लेस डायरैक्ट करना, मैं एक्ट भी करना, क्योंकि एज एन एक्टर मैनू ये थोड़ा जा बेनीफिट रहा कि एक्टर दूजा मैं अच्छी तरह हैंडल कर सकता। तो वो रोल जरा कि मेरे एज ग्रुप न सूट करता स, इस करके आई एम प्लेइंग सलवान एज वेल एज आई हैव डायरेक्टेड द प्ले। कह सकते हैं कहीं ना कहीं आप इमोशनली खुद अटैच हो चुके हैं इस प्ले के साथ? नहीं, नेचुरली मैंने लगता ऑडियंस देखेगी, और जो शिव की शायरी सुनेगी दे विल आल्सो भी इमोशनल। सर ये कितनी स्टेज में अभी तक आप ये शो मतलब करवा चुके हैं? 3 शो हो चुके हैं चंडीगढ़ में, और 1 शो हो चुका है दिल्ली श्री राम सेंटर में। व्हाट टाइप ऑफ रिस्पांस दे गए? एवरीवेयर वी गॉट स्टैंडिंग ओवेशन एंड सम पीपल वर इवन वीपिंग टू हियर द सॉन्ग्स। जिदा हैगा कि मैं अग तुरी परदेस, शिव ने औरत नू इस प्ले दे विच अग किया है, अग है ना, ते लूणा भी कहती है कि मैं कैसी अग हाँ, मतलब कि मैं कैसी औरत हाँ कि मैनू देखो मेरे प्यो की उम्र के नाल विआह, तो मेरे सेंटीमेंट की कोई कदर नहीं की, मैं गरीब हाँ इस करके मेरे नाल ये सब कुछ होया। लुधियाना आल्सो गिव स्टैंडिंग ओवेशन फॉर दिस। चलो लेट्स होप फॉर बेस्ट, लेट्स होप फॉर बेस्ट। पर मैनू ये फीलिंग है कि किसी ना किसी पंजाबी प्रोड्यूसर डायरेक्टर नू लूणा उपर पंजाबी फिल्म जरूर बनानी चाहिए है, जिंदा कि बंसाली जी ने पद्मावत बनाई है हिस्टोरिकल। इस चीज़ में आप आगे आ सकते हैं? नहीं, पर नहीं डायरेक्टर तो नहीं, बट क्योंकि मेरे को फिल्म डायरेक्टर का एक्सपीरियंस नहीं है, और बाकी फिल्म मेकिंग में पैसा बहुत इन्वॉल्व होता है, तो आई कैन नॉट स्पेंड दैट मनी। तो हमारे पास तो सब्जेक्ट है, वी कैन हेल्प जो भी बनाना चाहे, क्योंकि सॉन्ग्स रेडी हैं, एक्टर्स रेडी हैं। तो बस मेरी फीलिंग है कि पंजाबी के लिए ये एक मापदंड साबित होगी अगर लूणा के ऊपर कोई फिल्म बनाता है तो। सर डू यू वॉन्ट टू गिव एनी मैसेज टू लुधियानवीज? आप स्पेशली यहाँ आए इतना अच्छा प्ले लेकर, तो थिएटर से भी आपने बताया कि अब जो यूथ है वो काफ़ी ना काफ़ी अट्रैक्ट हो रहा है, अटैच होता जा रहा है, तो आप स्पेशली कोई मैसेज देना चाहेंगे कि आजकल की मूवीज़ के बारे में? तो आपने बताया, हम भी इस चीज़ से फुली एग्री करते हैं कि सेम कंसेप्ट चल रहा है, कॉमेडी मूवीज़ आती हैं फर्स्ट से फर्स्ट शो बुक हो जाता है, बट कोई कंटेंट वाली मूवीज़ बहुत टाइम बाद आती हैं, तो आप अपनी तरफ से पर्सनली क्या मैसेज देना चाहेंगे? किसको मैसेज दूँ सर? आप यहाँ आए स्पेशली सारे पंजाबीज को दीजिए, जितने भी व्यूवर्स ये कवरेज देखेंगे तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, पंजाबियों को तो मैं सारों को यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नाटक देखिए, थिएटर को सपोर्ट कीजिए, टिकट लेके नाटक देखिए, ताकि थिएटर ग्रुप्स जो हैं वो सर्वाइव कर सकें। जैसे हमने चंडीगढ़ में अब विदा डाल दी है कि काफ़ी लोग जो हैं थिएटर जो है टिकट्स के ऊपर करते हैं, तो आप 500 रुपया एक फ़िल्म के लिए देखने के लिए खर्च करते हैं, तो 100 रुपये आप एक थिएटर का प्ले देखने के लिए या आर्टिस्टों को सपोर्ट करने के लिए कीजिए, क्योंकि थिएटर अगर सेल्फ सफिशिएंट होगा तभी थिएटर आगे चलेगा। और माँ बाप से भी मेरी ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर में इन्वॉल्व करने के लिए कहिए, इधर उधर के कामों में या गैजेट्स जो हैं उनसे करके। थिएटर करने से आपकी पर्सनैलिटी बहुत डेवलप होती है, आप में कॉन्फिडेंस बहुत आता है, और आप डिसिप्लिन बहुत होती है, क्योंकि थिएटर ये तीनों चीज़ें सिखाता है। इसलिए मेरी सबसे यही गुजारिश है कि थिएटर को लव करो, थिएटर को सपोर्ट करो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर फॉर योर गोल्डन वर्ड्स। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बहुत ही रिनॉन्ड थिएटर आर्टिस्ट मिस्टर कुलदीप शर्मा जी, जो बॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज़ में काम कर चुके हैं, काफ़ी शोज़ कर चुके हैं, और अब वो एक लुधियानवीज के लिए प्ले लेके आए हैं लूणा, जिस प्ले को उन्होंने डायरेक्ट किया है, और इवन उन्होंने एक करेक्टर भी प्ले किया है। तो प्लीज़ गो एंड वॉच दिस प्ले, इसको मिस मत कीजिएगा, ये बहुत अच्छा मैसेज लेके आने वाला है। और सर की तरफ से एक अपीलिंग मैसेज ये भी मिला कि प्लीज़ आप थिएटर को एक्सपैंड कीजिए, जाइए थिएटर आर्टिस्ट को
प्रमोट करिए, ग्रो अप करते हुए देखिए। ये बहुत ही अच्छी लाइन है, बहुत ही सब्जेक्ट वाली लाइन है, जो आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर देगी आने वाले टाइम पे। होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा उनसे मिलके, और हमने भी शेयर किए उनके साथ कुछ बहुत ही वंडरफुल मोमेंट्स। थैंक यू सो मच कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा पसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।